हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिल्डा क्राफ्टी। और मैं हूं आपकी दोस्त हिल्डा। बरसात का मौसम अब खत्म होने जा रहा है और अब प्लांट्स लगाने का अच्छा सीजन आ गया। मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं और प्लांट्स खरीदने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। मुझे हमेशा प्लांट्स रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है, तो सोचा आज दीवार पर लगाने का एक शेल्फ बनाती हूँ जिस पे हल्का गमला रख सकूँ। जब नीचे जगह कम पड़ जाए तो हम दीवार का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बनाने का प्लान है। इसके लिए बीच बीच में सूखने के लिए टाइम लगेगा, तो इसके लिए पेशेंस चाहिए, मगर एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इस शेल्फ पे हम दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम बेकार पड़े कार्डबोर्ड पीसेस का यूज़ करेंगे। कार्डबोर्ड को हम मेजर करके कट करेंगे। मैंने एक लकड़ी के पीस पे रख के कार्डबोर्ड कट किया है जिससे नीचे कोई भी सरफेस खराब ना हो। कट करने के लिए पेपर कटर या एग्जैक्टो नाइफ यूज़ कर सकते हैं। मैंने 4 पीसेस कट किए हैं इस साइज के, 4 पीसेस इस साइज के और 3 पीस इस साइज के। एक फ्रेम बनाने का प्लान है। ये साइड 18.5 सेंटीमीटर लेंथ और 6.5 सेंटीमीटर ब्रेथ में है। ये साइड 45 सेंटीमीटर लेंथ और 6.5 सेंटीमीटर ब्रेथ में है। और शेल्फ 18.5 सेंटीमीटर ब्रेथ और 12 सेंटीमीटर लेंथ में है। अब 2 पीसेस स्टिक करेंगे सारे साइड पे जिससे ये थोड़े मजबूत हो जाएं। यहाँ फेविकोल ले रही हूँ, आप कोई भी वाइट ग्लू ले सकते हैं। ग्लू अच्छी क्वांटिटी में लगाएं जिससे दोनों पीस अच्छी तरह चिपक जाएं। अब ये पीसेस चिपका दिए हैं और शेल्फ के लिए 3 पीस चिपकाएंगे जिससे ये मजबूत बने, क्योंकि हम इस पे गमला रखेंगे। अब क्लिप्स लगा के इन्हें सूखने दें जिससे ये अच्छी तरह जुड़ जाएं। अब पेपर लगाकर इन खुरदरे एजेस को कवर करेंगे। इसके लिए मैं पैकेजिंग पेपर यूज करूंगी जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉक्सेस में आता है। आप न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं। ग्लू में थोड़ा पानी मिलाएं जिससे ये थोड़ा पतला हो जाए। अब ग्लू को कार्डबोर्ड के एजेस में लगा के पेपर को चिपकाएं कुछ इस तरह। आप इसके लिए मास्किंग टेप भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पैकेजिंग पेपर का ही यूज किया है। अब ये अच्छी तरह सूख गए हैं, अब फ्रेम को फिक्स करते हैं। इसके लिए सिलिकॉन ग्लू यूज कर रही हूं। अब इसे हिलाएं नहीं, जहां है वहीं इसे अच्छी तरह सूखने दें। इसे 2 घंटे ऐसे ही रखा, अब ये अच्छी तरह सूख गया है। अब कार्डबोर्ड फेविकोल लगने से और भी सख्त हो गया है और जोड़ भी अच्छी तरह सूख गए हैं। अब इस पे वॉल पुट्टी लगा के इसको और मजबूत करेंगे। वॉल पुट्टी में पानी मिलाएं जिससे ये थोड़ा पतला बन जाए। ध्यान रहे इसमें कोई गुठली ना रहे। अब ब्रश की सहायता से पहला कोट लगाएं। टच से वॉल पुट्टी का डब्बा बंद कर लें, नहीं तो ये सूख जाएगा। अब शेल्फ जो मैं यहां लगाऊंगी, ये एरिया छोड़ के बाकी सब जगह वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाऊंगी। अगर वॉल पुट्टी सूख जाए तो थोड़ा पानी मिला लें। फर्स्ट कोट सूख गया है, तो चलिए सेकंड कोट लगाते हैं। अब 2 कोट पीछे के साइड पर भी करते हैं। अब ये शेल्फ पर वॉल पुट्टी सूख गई है, अब इसको चिपकाते हैं। सिलिकॉन ग्लू अच्छी मात्रा में लगाएं जिससे ये अच्छी तरह चिपके।
पीछे स्पेस में भी ग्लू अच्छी तरह लगाएं। ग्लू सूखने के बाद जो जगह बच गई है उस पर दो कोट वॉल पुट्टी की लगाएं, जिसे हमने पहले छोड़ दिया था। अब शेल्फ को सपोर्ट देने के लिए मैंने ये बनाया है, जिसे मैं बाद में फिक्स करूंगी जब ये अच्छी तरह सूख जाएगा। मैंने एक ट्राइंगल काटा है जो 6.5 सेंटीमीटर बाय 6.5 सेंटीमीटर है, और इसके मैंने चार पीस लिए हैं ये बनाने के लिए। ट्रायंगल को बीच में चिपकाएं जिससे ये अच्छी तरह सपोर्ट दे सके। अब पीछे दो कोट वॉल पुट्टी की लगाएं और गैप में वॉल पुट्टी का मोटा पेस्ट लगाएं जिससे ये और भी मजबूत हो जाए। फिर ब्रश से पतला पेस्ट लगा के इसे स्मूथ करें। अब इसको एकदम ना हिलाएं और ऐसे ही अच्छी तरह सूखने दें। वॉल पुट्टी से काम करने से हाथ ड्राई हो जाते हैं, तो क्रीम लगाएं। अब ये अच्छी तरह सूख गया है, तो चलिए अब इसे रंग करते हैं। चॉक पेंट यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस पे मैट फिनिश चाहिए, और स्पंज डैबर से पेंट करने से बहुत अच्छा टेक्सचर मिलेगा। चॉक पेंट घर पे कैसे बनाना है इस पे मेरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रही हूँ। शेल्फ को कलर करते समय ज्यादा जोर नहीं लगाएं और एक हाथ से नीचे से सपोर्ट दें। अब पेंट अच्छी तरह सूख गया है, अब इस पे मैं स्टेंसिल यूज करना चाहती हूँ थोड़ा टेक्सचर देने के लिए। थोड़ा टेक्सचर पेस्ट लगाएं स्टेंसिल पे और फैलाएं, और फिर एक साइड से धीरे से निकालें। मैं रैंडमली इधर उधर स्टेंसिल यूज कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अब इसे अच्छी तरह सूखने दें, फिर गोल्ड एक्रेलिक से फ्रेम के कोनों को हाईलाइट करेंगे और टेक्सचर पेस्ट पर भी। ये करने से थोड़ी चमक आएगी जो मैं चाह रही हूँ। पेंट सूखने के बाद मैट वार्निश करेंगे। चॉक पेंट के साथ मैट वार्निश करने से इसके लुक के साथ मैच होगा। अब ये हुक्स पीछे चिपकाएंगे, ये मैंने हार्डवेयर शॉप से लिए हैं। चिपकाने के लिए F6000 यूज कर रही हूँ, ये स्ट्रॉन्ग है और ये प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। अब इसे अच्छी तरह सूखने दें, मैंने इसे रात भर ऐसे ही रखा अच्छे रिजल्ट के लिए। चलिए अब इसे हैंग करते हैं और देखते हैं कैसे लगता है। मेरे दूसरे वॉल पुट्टी क्राफ्ट पे वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रही हूँ, आप उसे जरूर देखें। ये वॉल माउंट शेल्फ इंडोर यूज के लिए ही है। यहाँ डबल साइडेड टेप से हैंडमेड पेपर को फ्रेम के पीछे चिपकाया है थोड़ा चेंज के लिए। ये शेल्फ पे आप डिफरेंट आइटम्स रख सकते हैं, मैं कुछ आइडियाज देती हूँ। बस इस बात का ध्यान रखें कि कोई भारी चीज इस पर ना रखें। ये मेरा फेवरेट मून कैक्टस है, इसकी पॉटिंग मिक्स बहुत लाइट होती है। मैंने नर्सरी के पॉट को वही चॉक पेंट से कलर किया है यहाँ मैच करने के लिए। ये मेरा फेवरेट होया कैरियाई है, यहाँ पॉट को मैंने टिंटेड मेटालिक पेंट से कलर किया है थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। इस प्लांट का नाम नहीं पता, इसके पत्ते पीले और फिर ऑरेंज हो जाते हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। मेरे पास सेरेमिक में अलग रंग के बुद्धा हैं और मुझे लगता है ये भी यहाँ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैंने वॉल पुट्टी सूखने के बाद उसे घिसा नहीं, क्योंकि मुझे ये खुरदरा लुक चाहिए था। कभी मैं ये प्यारे सेरेमिक के घर भी रख सकती हूँ जो मैंने काफ़ी टाइम से कलेक्ट किए हैं। तो हम कुछ ऐसे वॉल माउंट शेल्फ्स बना सकते हैं
अलग रंग के और साइज के और अपने घर के किसी भी दीवार को और भी रंगीन और सुंदर बना सकते हैं, और इन पे प्लांट रखने से ये और भी खूबसूरत दिखेंगे। जो भी आइटम्स इस प्रोजेक्ट के लिए यूज किए हैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। अगर आप इत्सी बित्सी से ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहें तो मेरा कूपन कोड HILDA5 कैपिटल में यूज करें, इसे 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आशा करती हूँ मैंने आपको इंस्पायर किया वेस्ट मटेरियल को रीयूज करने के लिए। अब मैं विदा लेती हूँ, जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।